Sapna Master IELTS. This video is specially for the students who are going to take exam in November as well as in December, because task repeat हो रहे हैं. जैसे कि आपने भी वीडियो देखा होगा, उसमें ये बताया गया था कि टास्क जो है वो पुराने रिपीट हो रहे हैं. तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए टास्क की लिस्ट जो है वो कंपाइल कर दी है, आप सभी चेक कर सकते हैं. अगर आप ये टास्क रिपीटेड जो है वो ऑलरेडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप 6.5 स्कोर कर सकते हैं, 6.5 आराम से आ सकते हैं. सिमिलैरिटी हो सकती है इसमें, साथ में कुछ तो बिल्कुल रिपीट हुए हैं. तो मैं ये ही आपको बताना चाहती हूँ, सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाले तो जरूर करें, एक्स्ट्रा तो करने ही है, ये वाले जरूर करके जाएं. जैसे कि 28 अगस्त का मॉर्निंग स्लॉट का उसमें पाई चार्ट आया था, आप देख सकते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन जो टास्क टू था, दैट वॉज मेनी पीपल बिलीव दैट देर इज अ जनरल इंक्रीज इन एंटी सोशल बिहेवियर. सेम वे अगर हम इवनिंग स्लॉट की बात करें तो पिक्चर चार्ट था, प्रोसेस चार्ट था, और टास्क टू था मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर डिसाइडिंग टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री फॉर हायर स्टडीज. इन द सेम केस 4 सितंबर का टास्क मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया है, टास्क 1 एंड टास्क 2. एंड इवनिंग स्लॉट का भी टास्क 1 में मैप आया था, इट वॉज लाइक दिस. एंड टास्क 2 वाज सम पीपल थिंक यंग पीपल शुड बी फ्री टू चूज देयर जॉब, व्हाइल अदर्स बिलीव दैट दे शुड बी रियलिस्टिक एंड थिंक अबाउट फ्यूचर. तो 11 सितंबर का अगर हम चेक करें तो देर वॉज अ टेबुलर चार्ट एंड टास्क 2 वॉज ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये भी रिपीट हो चुका है. इवनिंग स्लॉट का टेबल चार्ट था और टास्क 2 था यंग पीपल आर ओफन इन्फ्लुएंस्ड इन द बिहेवियर्स एंड द सिचुएशंस बाय अदर्स इन द सेम एज, दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर. Then 16 September का pie charts था. Then task 2 child care is important, both parents should attend child care courses. And evening slot में pie chart था और इसमें many people aim to achieve a balance between their work and lives. ये बहुत बार repeat हो चुका है guys, इसलिए आप ये जरूर practice करें. Then 25 September का process chart था, it was like this. And task 2 was on the basis of radio. 30 September में table chart था and task 2 was on, this was a table chart. And task 2 was children spend more time on computer games than sports. इवनिंग स्लॉट में बार चार्ट एंड देयर वाज अ टास्क टू ऑन बैलेंस बिटवीन वर्क एंड देयर लाइफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये रिपीट हो चुका है. 16 अक्टूबर में टेबल चार्ट एंड बेस्ट वे टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी इज टू इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज. इवनिंग स्लॉट में हमारे पास बार चार्ट और प्राइस ऑफ पेट्रोल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स. इन द सेम केस 6 नवंबर का टास्क मैंने आपके सामने नोट करवा दी हूँ. 13th नवंबर का राइटिंग टास्क 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट का आई एम टेलिंग यू. सो ये वाले टास्क जरूर प्रिपेयर करें एंड ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल. और ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं पहले से तो आपके डेफिनेटली 6+ आ सकते हैं. सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट.